औरंगाबाद जिला मुख्यालय में समाहरणालय के समीप अवस्थित श्री कृष्ण सिंह स्मृति भवन के प्रांगण में प्रेम शंकर प्रेमी रचित राजा नारायण सिंह नाटक का लोकार्पण किया गया। जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन औरंगाबाद के तत्वाधान में आयोजित लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष डॉ. सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह ने की, जबकि संचालन महामंत्री धनंजय जयपुरी ने किया। लोकार्पण समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर डॉ. सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, समकालीन जवाबदेही के प्रधान संपादक डॉ. सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा, जिला विधिक संघ के अध्यक्ष विजय कुमार पांडे, डॉ. रामाधार सिंह, डॉ. शिवपूजन सिंह, राजा नृपेश्वर नारायण सिंह, रामकिशोर सिंह, डॉ. चंद्रशेखर पांडे, प्रोफेसर विजय कुमार सिंह, शीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, रेडक्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता ने किया। नाटक की भूमिका पर प्रेमी जी ने विशेष प्रकाश डाला। संबोधन के क्रम में चंद्रशेखर पांडे, नृपेश्वर नारायण सिंह, डॉ. शिवपूजन सिंह ने कहा कि राजा नारायण सिंह के जीवन पर विशेष शोध होना चाहिए, जिससे उनके जीवन के अनछुए पहलुओं से रूबरू हो सके। डॉ. रामाधार सिंह ने कहा कि इस नाटक में पर्यावरण स्वरूप सोन नदी की चर्चा है। रामकिशोर सिंह ने काव्य पाठ करके उन्हें याद किया। डॉ. सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने कहा कि प्रेमी जी की नाटक पत्थरों में खुशबू पैदा करने वाली दृश्य जैसी है। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि नाटक में दृश्य और स्वर दोनों परंपरा साथ साथ चलती है। लोकार्पण समारोह के मौके पर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष सुरेश विद्यार्थी, विधिक संघ के पूर्व अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह, कल्पवृक्ष धाम के अशोक कुमार सिंह, राजा चंदेश्वर सिंह चांद बाबू, राजीव प्रताप सिंह, मनोज सिंह चौहान, रविन्द्र कुमार सिंह, श्री राम राय, हिमांशु चकरपानी, विनय मामूली बुद्धि, नागेंद्र कुमार केसरी, सुमन अग्रवाल, जगनारायण सिंह, लौकुश प्रसाद सिंह, राम भजन सिंह, पुरुषोत्तम पाठक, अनुज बेचैन, अफताब राणा, लालदेव प्रसाद, अमरेंद्र कुमार सहित अन्य साहित्य प्रेमी और बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे। आज जो है औरंगाबाद जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के बैनर तले राजा राज नारायण सिंह जी, जो कि औरंगाबाद के महान विभूति रहे, और इस बात के लिए उनका नाम आता है कि उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, तो उनके जीवन पर लिखी हुई एक नाटक की पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, जिसको लिखा है प्रेम शंकर प्रेमी जी ने। तो इस विषय में ये आज का आयोजन था, एक साहित्यिक अनुष्ठान था। मैंने प्रयासरत कई बार थे, मैंने कई तरह की कविताएं कहानियां लिखी है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने बताया कि आप एक राजा नारायण सिंह पर ऐतिहासिक नाटक लिखिए। पिछले साल दुर्गा पूजा में मुझे कहा गया, मैं कोशिश करके और दुर्गा पूजा के बाद कोशिश किया, उत्तरत भर में मैंने नाटक अभिनय तैयार कर दिया। और जी हमको इसको तैयार करने में मुश्किल से 15 दिन लगा था, क्योंकि मैं जो कविताएं लिखता हूं कल 5 से 10 मिनट के बीच में कविता, गाना, भजन, गीत, गजल कुछ भी लिख लेता हूं। 300 मेरे द्वारा लिखित कविताएं हैं, कई एक गीत लॉन्च हो चुके हैं, भोलेनाथ पर गाई है गायिका, और कई एक तरह की कविताएँ गजल मेरे द्वारा लिखी गई है। प्रेम शंकर प्रेमी, पवई मेरा मकान पड़ता है, पवई का रहने वाला हूँ। यह पुस्तक हिंदी साहित्य सम्मेलन के सौंदर्य से लोकार्पित हुई है। आज तक हिंदी साहित्य सम्मेलन से अनेक पुस्तकें लोकार्पित हुई, लेकिन नाटक की यह पहली पुस्तक है, इसलिए इस परिवार को बहुत प्रसन्नता है। प्रेमी जी ने नाटक के माध्यम से औरंगाबाद को एक अमूल्य चीज़ दी है। बहुत ही गर्व हो रहा है कि औरंगाबाद जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन 2002 ईस्वी में हुआ। उस समय कुछ एक सदस्य मिलकर इस
संस्था का गठन किया था और उस समय के बाद अनवरत इसका विकास होता चला गया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि औरंगाबाद जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में निकलने वाली पुस्तकें औरंगाबाद के तमाम कवि साहित्यकारों को अपनी पुस्तकों में समाहित किया है। शब्द के चितेरे पुस्तक के तीन भागों में लगभग औरंगाबाद के 350 साहित्यकारों की रचनाएं एवं जीवन परिचय समाहित है और लगातार यह विकास पर है, प्रगति पर है। प्रेम शंकर प्रेमी रचित यह नाटक हमारी संस्था का पहला नाटक है और इस नाटक में इन्होंने उस महानायक को चित्रित किया है जो इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता की अंग्रेजों के विरुद्ध पहली लड़ाई लड़ने वाले राजा नारायण सिंह पर कलम चलाकर प्रेम शंकर प्रेमी ने यहाँ के लोगों को जागृत करने का काम किया है और उम्मीद है कि यह पुस्तक नाटक ही नहीं रह जाएगी बल्कि कालांतर में इस पर फिल्म बनाए जाएंगे और पूरे भारत का पूरे विश्व में इसका प्रदर्शन होने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, फिर प्रेम शंकर प्रेमी जी को बारंबार प्रणाम करूंगा कि उन्होंने समाज के समक्ष, खासकर औरंगाबाद के समाज और हिंदी साहित्य के समाज के समक्ष एक बहुत बड़ा शीशा खड़ा कर दिया है। इतिहास पढ़कर हम लोगों ने जितना सीखा है, नाटक एक बहुत आसान तरीका है अपने इतिहास को जहन में बैठा देने के लिए। इस नाटक को बच्चे मनोरंजन के रूप में देखेंगे और अपने इतिहास से परिचित होंगे, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। राजा नारायण सिंह के जीवन पर प्रेम शंकर सिंह प्रेमी ने जो पुस्तक, जो नाटक रची है, यह बिल्कुल ही काबिल तारीफ है और औरंगाबाद जिले में पहली बार है जो किसी इतने बड़े महानायक के नाम पर एक नाटक का माध्यम से प्रेम शंकर प्रेमी जी ने लोगों के सामने, आम जन के सामने लाने का प्रयास किया है। और इस नाटक में जितने भी नाटक के पात्र हैं और नाटक के जो भी अवयव होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो सभी गुणों से परिपूर्ण हैं और जिस तरह से आज लोकार्पण किया गया है उसी तरह से इसका जिले में महत्वपूर्ण जगहों पर इसका मंचन भी किया जाए तभी हमारा लोकार्पण का कार्यक्रम सफल होगा। और मंचन करने से लोग जानेंगे कि राजा नारायण सिंह अंग्रेजों के प्रथम शत्रु थे और अंग्रेजों को प्रथम बार उन्होंने बिहार से भगाने का कार्य किया और उन्होंने ऐसा कार्य किया, सैकड़ों हजारों अंग्रेजों को सोन नदी में डुबाने का कार्य किया था। इन सारे चीज़ों को इस नाटक के माध्यम से लोगों के सामने परोसने का कार्य किया गया है। सुरेश विद्यार्थी, जिला उपाध्यक्ष, जिला हिंदी साहित्य संघ औरंगाबाद।